बवाना रेस्क्यू 1122 के जेर एहतमाम प्रोजेक्ट मेरा गांव मेरी जन्नत के हवाले से नवाही गांव चक नंबर 195 भलो को मॉडल विलेज बनाने के लिए बनाई गई कमेटियों की तकरीब हलफ बरदारी का इनेकाद किया गया, जिसमें खुसूसी शिरकत डिप्टी कमिश्नर चनियोट मोहम्मद रियाज, DPO चनियोट बिलाल जफर शेख, डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर मैडम ताहिरा खान और असिस्टेंट कमिश्नर मैडम इकरा मुस्तफ़ा ने की। और अगर ये हम फैसला कर लें कि ये हमें काम करना है, तो यकीन करें कि इस दुनिया में कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है। ये इंशाल्लाह अगर इसी पेज पर हम चलते रहे, जैसे हमने कमेटीज़ बना दी हैं, कुछ मैंने इनिशियली शेयर किया था, इसमें तरीक़ेकार ये होगा कि हम कमेटीज़ पहले बनाएंगे जो ये बन चुकी हैं, जिनके आज हलफ भी होगा। ये कमेटीज़ सफाई की हैं, पानी से मुतल्लिक कमेटी है, एक एडमन हमारी कमेटी होगी, पार्क एंड ग्राउंड कमेटी होगी, और इसके अलावा प्लांटेशन की कमेटी होगी, एक कमेटी ऐसी होगी जो वेलफेयर को देखेगी कि कहीं हमारा हमसाया भूखा तो नहीं सो रहा, कहीं यहाँ पर कोई ऐसा बच्चा तो नहीं है कि जिसके पास पैसे नहीं है, वो टैलेंटेड है और वो स्कॉलरशिप या पैसे ना होने की वजह से वो तालीम हासिल नहीं कर रहा। अमल पैरा होगा। मैं अपने इलाके के माहौल को साफ सुथरा रखूंगा। मैं अपने गांव के सेहतमंद माहौल बनाने में हिस्सा लूंगा। मैं मेरे जिम्मे जो काम लगाया जाएगा, इसे नेक नीयति और खलूस दिल से अपनी इस्तेदाद और खुदादाद सलाहियतों को दुरुस्तकार लाते हुए सरंजाम दूंगा। ये उनका जो ख्याल है कि मेरा गांव मेरी जन्नत वाला जो आइडिया है उसको मैं दाद देना चाहूँगी, और जो है डी साहब का, DPO साहब का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि वो भी आज हमारे पास जो है इस तकरीब में शामिल है, और इलाके की और हमारी जो है वो हौसला अफजाई हो रही है इससे। तो मैं ये अपनी तरफ से जो है तहसील कौंसिल की तरफ से जो है, और इसके अलावा बींग एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो तहसील कौंसिल हमारी सी साहब यहाँ पे मौजूद हैं, और जो है असिस्टेंट कमिश्नर के तौर पर मैं ये यकीन दहानी करा दूँगी इन शाला तला जो भी जो है एडमिनिस्ट्रेशन को कोई इशू होगा, सफाई का कोई इशू होगा, या जो भी कोई कोऑर्डिनेशन का इशू होगा, उसके अंदर जो है इंतजामिया इन शाला तला इसमें भरपूर आपकी मदद करेगी, आप लोगों का साथ देगी। आगे ये कॉन्सेप्ट है कि मेरा गांव मेरी जन्नत, हमें इससे आगे चलना है और हमें उस स्टेज पे जाना है जहां पे हम ये कह सकें कि मेरा शहर मेरी जन्नत और मेरा मुल्क मेरी जन्नत। जिस तरह किसी सूरत में मुमकिन हो सकेगा, जब इस मुल्क के, इस शहर के, इस गांव के और हर घर का हर फर्द अपनी जिम्मेदारी समझ के अपने हिस्से का काम करेगा। इस प्रोजेक्ट के हवाले से डिस्ट्रिक्ट पुलिस चिन्हूट की तरफ से मैं ये कमिटमेंट देता हूं कि इंशाल्लाह ताला इस प्रोजेक्ट में हम मैडम ताहिरा के शाना बशाना खड़े होंगे, अपनी इस्तेदाद के मुताबिक जो कुछ कर सके। सरान चक 195 भलो वाला के बुजुर्ग, हमारी माएँ बहनें और बेटियां, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं आप लोगों को मुबारकबाद देता हूँ। हमेशा सरकार में रहते हुए ये ही शिकायत करते हुए हमारे अफसरान यहाँ मिलते हैं कि लोग हमारे साथ तावन नहीं करते, अगर हम काम करना चाहें तो लोग तावन नहीं करते, और लोगों को शिकायत रहती है कि हमारे साथ सरकारी इदारे और हुकूमती जो है इदारे अफसरान वो तावन नहीं करते। तो मेरे ख्याल में एक जो खलीज थी, जो फासला था सरकारी इदारों में, हुकूमती मशीनरी में और आम लोगों के दौरान, वो इस तरह के प्रोजेक्ट से ही दूर हो सकता था, जिसके लिए मैडम ताहिरा खान को बहुत शाबाश भी देता हूँ और इनको मुबारकबाद देता हूँ, उन्होंने ये लिखित दिया। दुनिया का कोई भी मुल्क, कोई भी सरकार, जितने मर्जी अमीर मुल्क हो, सारे काम नहीं कर सकता, आवाम से ही सारे काम टूटते हैं। और इंकलाब जो है आसमान से नहीं गिरता कि आसमान से कोई चीज़ गिरे हमसे कहें ये इंकलाब है, इंकलाब लोगों से फूटता है, आप लोगों से फूटता है, आप लोगों से फूटता है और इन्हीं कामों से इंकलाब फूटता है। तो यही इंकलाब है जो आज हम बैठे हुए हैं, यह सबसे बड़ा इंकलाबी कदम है